हेलो गाइस, तो कैसे हो? आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई लोग, यहाँ बस गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और जीजी मतलब सेम है, उसका यहाँ बस रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है वीईटी का। तो दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे लोग यहाँ बस क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इसका रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें, इसका पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करें, लिस्ट वाला, या फिर काउंसलिंग में किसको किसको बैठने के लिए मिलेगा, काउंसलिंग कितने कट ऑफ मार्क्स का होगा, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी आंसर आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है सोनी कुमार और आप देख रहे हो द एस हिंदी चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ बस मैं बता दूँ कि अगर आप लोग रिज़ल्ट डाउनलोड करना चाहते होंगे तो दोस्तों, यहाँ बस आप लोगों को जाना है जीजी की वेबसाइट में। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन में दिख जा रहा होगा, यहाँ बस मैं नीचे में मेंशन कर दूंगा वेबसाइट jiju.nic ऐसा करके रहता है दोस्तों, उसमें आप लोगों को जाना है। उसके बाद आपको नीचे नोटिस बोर्ड वगैरह करके दिखेगा, उसमें स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, उसमें जाकर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब मिल जाएंगे आप लोगों को दोस्तों। नोटिस बोर्ड के नीचे आपको 10 तारीख में अपलोड हुआ एक फाइल मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा रिजल्ट वीईटी का, उसमें क्लिक करोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट के डिटेल्स। जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है उसको क्लिक करना है, वैसे पीडीएफ के थ्रू आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर आप लोग इस झंझट से बचना चाहते हो तो यहाँ बस मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिजल्ट दे दूंगा दोस्तों, मतलब रिजल्ट के पीडीएफ यहाँ बस अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को मेरे लिंक में जाना है और मेरे लिंक में जाकर इस तरीके से जाना, एक जीपी लिंक का मतलब लिंक खुलेगा, वेबसाइट खुलेगा, उसको आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे कैप्चा आएगा आई एम रोबोट करके, आई एम नॉट रोबोट करके, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। वेरीफाई होने के बाद वहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, नए पेज में आप लोगों को 6-7 सेकंड रुकना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एक और पेज खुलेगा, गेट लिंक क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ बस आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका पीडीएफ सारे मतलब आप लोगों को यहाँ बस ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ बस जीजी की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस सब्जेक्ट का आप लोगों को मतलब पीडीएफ डाउनलोड करना है मतलब रिजल्ट का वीईटी का, उसको आप लोग सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हो यहाँ बस दोस्तों। और यहाँ बस मैंने जीपी लिंक में इसलिए ऐड किया है इसको क्योंकि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट अपने को भी होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए यहाँ बस थोड़ा प्रॉफिट अपना भी करा दो। जीजी के लिंक से अगर डाउनलोड करना है तो उससे कर सकते हो या फिर हमारे लिंक से भी यहाँ बस कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जितने मतलब पीडीएफ अवेलेबल थे मतलब वेबसाइट में उतने हम लोग डाउनलोड करके हम अपलोड कर दिए हैं दोस्तों अपने गूगल ड्राइव में, और ड्राइव से सीधा जीपी लिंक्स में ऐड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है यहाँ बस रिजल्ट। अब आप लोगों को बोलेंगे कि काउंसलिंग कैसे हो गया, बस रिजल्ट का फंडा तो हमने सॉल्व कर दिया कि रिजल्ट आप लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ बस बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स आए हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो बायोटेक का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, बीएससी या फार्मेसी किसी का भी हो दोस्तों, एमएससी वगैरह का, सबके यहाँ बस रिजल्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, मेंशन कर दूंगा। तो इसी चीज़ के लिए एक लाइक बनता है दोस्तों, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमने इतना किया दोस्तों आप लोगों के लिए, सारे रिजल्ट अपलोड किया, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और कुछ और क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बस फंसता है कि यहाँ बस काउंसलिंग कैसे होगा दोस्तों। मैं बता दूँ कि यहाँ बस मेरिट लिस्ट के द्वारा काउंसलिंग होता है हर साल, और काउंसलिंग का कटअप कैसे होता है मैं बता दूं कि हर जो कैटेगरी होता है कैटेगरी वाइज यहाँ बस कटअप्स आते हैं। पिछले बार का कटअप जो था दोस्तों 32 था एससी के लिए, ओबीसी के लिए 37 था शायद तक, और एसटी के लिए यही कुछ 35 वगैरह थे दोस्तों। तो भाई लोग, यहाँ बस हर साल टॉपर के हिसाब से यहाँ बस काउंसलिंग लिस्ट निकलता है, कटअप मार्क्स निकलते हैं। तो यहाँ बस इस बार के मतलब टॉपर का जितना ज़्यादा मार्क्स होगा वो उसके हिसाब से यहाँ बस कटअप मार्क्स निकलेंगे दोस्तों। जब यहाँ बस कटअप मार्क्स निकल कर आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा तो मैं उसका एक पीडीएफ मतलब एक पीडीएफ में जितने सब्जेक्ट के पीडीएफ होंगे उसको यहाँ बस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और उसको भी आप लोग सेम तरीके से डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। सिंगल वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ें मिल जाएंगी, रिजल्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा काउंसलिंग का डाउनलोड करने के लिए। तो इसीलिए सबको मिला के एक थम्सअप बनता है दोस्तों। उसके साथ मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसी वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पीडीएफ काउंसलिंग का। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम ट्विटर में जुड़े रहो हमसे, मतलब इंस्टाग्राम में ज़्यादातर जुड़े रहो, मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम में, मैं वहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ, उसको आप लोग देख के जान जाओगे कि यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंजेस किए हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर कुछ और इंक्वायरी हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में या फिर ट्विटर में पूछ सकते हो, मैं आपको
मतलब पक्का रिप्लाई करूंगा, इतना तो अपने साइड से बोल सकता हूं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बोलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिया है, तो लाइक प्लीज़ कर दो और कमेंट शेयर कर दो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी, ये वीडियो हम लोग अपना डाउनलोड कर पाए, फिर आप लोग ही शेयर कर दो यहाँ बस। और सारी जानकारी चाहिए तो यहाँ बस वीडियो शेयर करोगे तो बाकी को भी जानकारी मिलेगी। और उसी के साथ साथ दोस्तों, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मेरे साथ बने रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय, बाय बाय।